नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा अपने कार्यकाल के पहले ही दिन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमेरिका का नाम लेंगे वापस। टीपीपी समझौते को देश के लिए संभावित आपदा करार दिया। 100 दिनों के एजेंडे में व्यापार, ऊर्जा, विनियमन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिया जोर। पाकिस्तानी सेना के चीफ राहिल शरीफ को नहीं मिलेगा एक्सटेंशन। सेना अध्यक्ष शरीफ की रजामंदी से तय कर लिया गया है अगला सेना अध्यक्ष। भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक से राहिल शरीफ की छवि पर पड़ा था बुरा असर। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा, सीरिया के शहर अलेप्पो में आईसिस ने रासायनिक हथियारों का किया इस्तेमाल। बारूदों के नमूनों में पाए गए हैं क्लोरीन और सफेद फास्फोरस जैसे विषाक्त रसायन। अमेरिका ने यूरोप में रह रहे अपने नागरिकों को दी चेतावनी। यूरोप में क्रिसमस के बाजारों और अन्य मौसमी छुट्टियों के दौरान आतंकी हमले की जताई आशंका, टेलीग्राफ अखबार ने की पुष्टि। दक्षिण कोरिया और जापान सैन्य खुफिया सूचनाओं को करेंगे साझा। दोनों देशों ने सैन्य खुफिया समझौते पर किए हस्ताक्षर। राजनीतिक दलों और जनता के विरोध के बावजूद दक्षिण कोरिया ने उठाया यह कदम। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।